गाइस वेलकम बैक टू द पार्ट 3 ऑफ द वेडिंग सीरीज। तो अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लो, उसी के आगे व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यार आज है हल्दी मेहंदी वाला दिन, ये देखो पीछे तेल का भी है और मैंने ड्रेस चेंज कर ली है। मैंने पहने येलो कलर का सूट, बट मैं अभी हूँ मामा के रूम में, आई थी कुछ काम से। तो काम ये है कि ना तिलक में जो फ्रूट्स चढ़ते हैं वो सबको दिए जाते हैं फैमिली में, तो बस वही मम्मा से लेने के लिए और सबको देने के लिए मैं आई हूँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मम्मा गुड मॉर्निंग। इधर देख के बोलो गुड मॉर्निंग। एंड बच्चे मेरे रूम में सो रहे हैं। तो यार मेरा रूम ये है पापा मम्मी का रूम और ये रहे पापा मम्मी, बस अब जा रहे हैं नहाने। हाय बोलो आप लोग। तो यार ऐसे ही हंसते गाते हमने चढ़ाया निशु को तेल। एंड ट्रस्ट मी, ये पूरा व्लॉग ना बहुत मस्ती वाला होने वाला है, क्योंकि चाहे वो हल्दी हो, मेहंदी हो, संगीत हो, तेल हो, कुछ भी हो, हमने बहुत डांस किया निशु के इस स्पेशल डे पे, फंक्शन पे, सारे फंक्शन में हमने बहुत डांस किया। तो बस यार यहाँ पे निशु को तेल चढ़ रहा है। एंड ऑल्सो यार एक बहुत ही प्यारी सी फीलिंग है, मैं शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे शिवानी निशु को तेल चढ़ा रही है एंड लास्ट ईयर हम लोग सब लोग मिलकर शिवानी को तेल चढ़ा रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था ये चीज़। ऑल्सो यार भाभी ने तो क्या रंग ला दिया था, इतने अच्छे गाने गाए उन्होंने, इतना अच्छा डांस किया उन्होंने, पूरी रौनक ला दी थी। बस फटाफट से तेल चढ़ने के बाद फिर हम लोग सब फटाफट से रेडी हुए हल्दी के लिए। यहाँ पे हम कुछ मस्ती करने लगे थे एंड भाभी कुछ किस्सा बताने लग गई थी भाई के बारे में, जो कि बहुत ही फनी था। तो बेसिकली सब लेडीज अपने अपने हस्बैंड्स की बुराइयां करनी स्टार्ट कर दी थी, सब लोग सबके हस्बैंड्स कैसे कैसे कारनामे करते हैं। गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, देखो देखो देखो, जानबूझ के आगे मत कर लिए इन्होंने। ओ माय गॉड, दिस इज आइसक्रीम, कितनी टेस्टी है। राधे ले, राधे आइसक्रीम ले। तो यार रूम की क्लीन मैंने करवा दी है, बस रूम्स क्लीन हो रहे थे, टाइम बज रहा है 8। मैं जा रही हूँ, देखती हूँ क्या नाश्ता पानी वहाँ हो रहा है। ये रे मेरे क्यूट क्यूट से बच्चे, सिया दिखाना अपने फेस, शो मी योर फेस मेरा बच्चा। तो यार बस रूम क्लीन हो गया है, वो बेस्ट बात है, सारा मेरा सामान उसमें, बस एक बाहर है सूटकेस। एंड अब चलो चलते हैं बाहर। तो यार ये सूट मैंने पहन लिया है, अभी मैं अच्छे से रेडी हूँगी हल्दी के लिए, भी हुई नहीं हूँ। तो यार उसके बाद सब चले गए थे ब्रेकफास्ट करने। एंड यार ये बेस्ट पार्ट था कि हम सब ने ना बाहर ब्रेकफास्ट करते थे, हम लोग लंच में हम लोग का बाहर रहता था, क्योंकि अच्छे से हम धूप ले सकते होते थे। फैब की ठंड में धूप का तो मज़ा ही अलग है। तो बस यहाँ पे सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद खम भी करना था एंड आगे और भी रिचुअल्स होने होते। ऑल्दो आई नो कि बहुत सारे इंडियन रिचुअल्स होते भी हैं और जो कि हम अच्छे से फॉलो नहीं भी कर पाते, बट यार आई थिंक आई गेस आजकल का टाइम ही यही हो गया, गाँव में है कि लोगों के पास इतना वक्त होता है आजकल, इतना टाइम ही नहीं पाता सबके पास। बहुत ही मुश्किल से मैनेज करके सारी फैमिली को गैदर किया था 3 दिन के लिए कि प्लीज 3 दिन आओ सब लोग एंड अच्छे से मैनेज करके अच्छे से शादी करो। तो वही हम सब ने किया सारे रिचुअल्स फॉलो करते हुए। हेलो, अभी बैठ गए पापा मामा लोग, मम्मी शक्ल दिखाओ अपनी, भाई लोग। बस यार यहाँ पे खंभ गढ़ने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी एंड यहीं पे फेरे भी होने वाले थे अगले दिन, पंडित जी भी आ गए थे एंड मेरे मामा जी भी पंडित थे। ऑल्सो मेरे मामा मामी ही कन्यादान कर रहे थे, तो उन्हीं के साथ सबसे पहले पूजा स्टार्ट हुई, एक सारे जेंट्स ने खंभा गाड़ा एंड बस इस तरह प्रोसेस चलता रहा। ऑल्सो यार आप देख रहे हो यहाँ पे मिक्सी पड़े, क्योंकि हमारे पास चक्की नहीं थी, लाइक मेरे पास चक्की नहीं थी, तो मैं अपने घर से मिक्सी ले गई थी। ऑब्वियसली वहाँ से दिल्ली से चक्की लाना तो पॉसिबल नहीं था, तो इस तरह से सब कुछ अरेंजमेंट करते हुए हमने सारे सारे रिचुअल्स फॉलो किए। एंड बस उसके बाद हमने ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट खेला, इसमें धीरे धीरे से हमें कुछ फोड़ना था, आई थिंक पता नहीं क्या फोड़ना था, मैं भूल गई हूँ, ताकि कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई ना हो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर इट। बस उसके बाद हमने फटाफट से गई बच्चों को रेडी किया।
गाइस, तो मैं हो गई हूँ हल्दी के लिए रेडी। ये होगा मेरा प्यारा सा सूट, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सूट पहन के। मैं चाहती थी कुछ कंफर्टेबल हो, इसलिए मैंने हैवी साड़ी नहीं डाला है। बाकी सब ने बहुत हैवी साड़ी डाला है और सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बट आई जस्ट वॉन्ट कि मैं अच्छे से डांस कर पाऊँ, इसलिए मैंने ये प्यारा सा मांग टीका एंड सिंपल सा सूट पहना है एंड माई गॉगल्स टू। तो मैं हो गई हूँ परफेक्टली रेडी प्यारे से सूट पहन के, प्यारे से भाई के साथ, क्योंकि आज चल रही है अपनी बढ़िया हल्दी की तैयारी। ये देखो मेरा भाई मस्त, ये देखो प्यारी प्यारी भाभी ये देखो प्यारी प्यारी गुड़िया दी, वहाँ मेहंदी लग रही है। देखो मम्मी और सासू माँ और सासू माँ अभी ना मस्त। हमने बनाई थी निशु की हल्दी एंड इट वाज सो 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 मैजिकल एंड ट्रेंडी यार, बहुत ही ट्रेंडी हल्दी थी यार, मस्त से जैसे कि हमने मूवीज में देखा था, बिल्कुल मुझे वैसा फील हो रहा था। बहुत ही मज़ा आया उसकी हल्दी में, हमने बहुत फन किया, बहुत ज़्यादा डांस किया एंड ऑल्सो इतनी पिक्चर्स इतनी फोटोज क्लिक की, ओ माई गॉड, बट वी डांस अ लॉट। ऑल्दो हम लोग को ये हो रहा था कि साइड बाई साइड हम लोग मेहंदी भी लगाते जाएँ, क्योंकि मेहंदी के लिए टाइम बचना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 हमें बच गया था हल्दी करते करते प्रॉपर तरीके से। स्टार्ट कर दी थी एंड यहाँ पे आशीष शिवानी को खाना खिलाए थे अपने हाथ से, दैट वाज सो क्यूट। तो मैंने किसी को बोला था रिकॉर्ड करने के लिए एंड यहाँ पे मैं हूँ मेहंदी लगाने के लिए। मेरे हस्बैंड तो इतने अच्छे हैं नहीं जो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे सबके आगे। एनीवेज यहाँ पे सबको मेहंदी लगना भी स्टार्ट हो गया था। देन वी हैव स्नैक्स एंड स्नैक्स में थे मूंग दाल के पकौड़े, मतलब और भी चीज़ें थी बट इट वॉज द बेस्ट, आई मीन दिस वॉज सो अमेजिंग। राजस्थान में यहाँ ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही यमी एंड टेस्टी बनती हैं। फिर स्नैक्स एंजॉय करने के बाद सब लोग चले गए थे संगीत के लिए रेडी होने के लिए, क्योंकि सबकी परफॉर्मेंस थी एंड लड़के वाले लड़की वाले सब लोग परफॉर्म करने वाले थे, तो उसी फंक्शन के लिए सब लोग फटाफट से रेडी होने चले गए थे। ऑलराइट गाइस, तो मैं भी हो गई हूँ संगीत के लिए रेडी। मैंने पहना है ब्यूटीफुल सा पर्पलिश वाइनिश कलर का लहंगा, ये सेम सेम, और मैंने राधे सिया ने तीनों मैचिंग रख करके लहंगा पहना है। मिस्टर हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं, टाइम हो रहा है 7:30, अब हम लोग जा रहे हैं फटाफट संगीत के लिए, क्योंकि सबसे लास्ट हम लोग हैं, सब लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, परफॉर्मेंस ऑलरेडी तैयार हो चुकी है लड़के वालों की तरफ से, बस लड़की वालों की कमी है, तो चलो यार चलते हैं। बस यार एक एक करके सबने परफॉर्मेंस दी एंड आई मस्ट से सबने इतना अच्छा परफॉर्म किया था ना, एवरीबॉडी परफॉर्म सो 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 वेल। मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की है, मेरे को कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली है अपनी फैमिली वालों की, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड सबसे पहले परफॉर्मेंस गुड़िया दीदी की थी एंड सेकंड नंबर पे हमारी थी कपल वाली, एंड देन धीरे धीरे करके सब लोग आते गए, तो हमने बहुत एंजॉय किया। एंड इस तरह का संगीत फंक्शन ना हमारी फैमिली में फर्स्ट टाइम हुआ है, अदरवाइज तो संगीत नहीं होता था, सगाई वगैरह सब हो रखी है बट संगीत ऐसे प्रॉपर नहीं हुआ था आज तक, तो वो भी हमने बहुत एंजॉय किया। एंड लास्ट में हमने सॉन्ग लगाया था पांडे जी सिटी वाला, क्योंकि पांडे फैमिली है हम लोग, तो पांडे जी सिटी वाला लगाया था सॉन्ग, बहुत 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 फन किया। फैमिली है तो मैं नहीं नाचूंगा, और जब पांडे फैमिली का सॉन्ग आया तो सबसे आगे सीटी मार रहे थे, सबसे आगे सीटी मार रहे थे। ओके यार, तो टाइम हो गया है मेहंदी का एंड आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल
ग्रीन सूट एंड पीछे पूरा रूम मेस है. ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग लेट क्योंकि निशु की मेहंदी स्टार्ट करनी है एंड रात को हमें खूब नाचना है. आई थिंक 10:30 या 11 बजने वाला है एंड यार थोड़ा सा मेहंदी के लिए लेट हो गए बट क्या करें, इतना सब पैक्ड अप थे. एंड यार द संगीत, ओ माय गॉड इट वाज सो गुड, बहुत मजा आया परफॉर्मेंसेस में, बहुत मजा आया डांस में, सबने खूब धूम मचाया, लड़के वालों ने लड़की वालों ने खूब धूम मचाया, लिटरली बहुत मजा आया. बच्चे लेट गए हैं बढ़िया दादा दादी के साथ. बाय राधिसिया, बाय. यार बच्चों को सलाह के मैं आ गई थी मेहंदी के फंक्शन में एंड वहाँ पे निशु को मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई थी एंड इधर भाभी एंड गुड़ेदी वगैरह सब धूम मचाना स्टार्ट कर लिया था सबने. एंड बस यार मुझे मेहंदी फंक्शन सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं. आई डोंट नो, मुझे लगता है एक अलग सा स्पार्क होता है उसमें. लाइक बस यहाँ पे मेहंदी लग रही होती है एंड कुछ बहुत बड़ा फंक्शन नहीं होता, नॉर्मल सा फंक्शन हम लोग कर रहे होते हैं एंड वी डांस. बस हम लोग डांस कर रहे होते हैं, खूब गप्पे मार रहे होते हैं, खूब मस्ती कर रहे होते हैं, एक दूसरे को छेड़ा छाड़ी चल रही होती है. आई जस्ट लव दैट कॉन्सेप्ट, मुझे पर्सनल लेवल पर बहुत अच्छा लगता है. फिर हमने बॉयज़ को भी नचाया, सब लोगों ने मिलकर बहुत डांस किया. आई स्टिल रिमेंबर हमने शानी की मेहंदी के फंक्शन में कितना ज़्यादा इंजॉय किया था. सेम हमने यहाँ पे निशु के शादी के फंक्शन में भी, निशु के भी मेहंदी में बहुत इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा डांस किया एंड साथ के साथ यार निशु का वो भी चल रहा था फोटोशूट. एंड बस फिर ये सब फंक्शन होते होते लाइक 3-4 बज गया था. लाइक हम लोग सुबह सोए हैं सारे लोग. वैसे फंक्शन हमारा 3 बजे तक, मतलब निशु को मेहंदी ही लगती रही थी तो 3 बजे तक तो हम सब ने खूब डांस किया ही. उसके बाद खूब गप्पे वप्पे मारे एंड अंताक्षरी वगैरह खेली गई एंड हमारे न्यूली मैरिड कपल ने भी बहुत अच्छा डांस किया. सो यस गाइस, आई होप आई गेस आपको ये वीडियो ये ब्लॉग पसंद आया. अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय.